अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 7.4 स्टार्ट कर रहे हैं। तो इससे पहले जो हमारी वीडियोस थी वो 7.3 तक थी। चैप्टर नंबर 7 हमने यहाँ कंप्लीट बना लिया है 7.3 तक। आगे आज 7.4 शुरू करने वाले हैं। ठीक है, आज हम सीखेंगे कि दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लिया जाता है। जो क्रॉस प्रोडक्ट लेके जो आंसर आ रहा होता है, क्रॉस प्रोडक्ट का जो आंसर है वो दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है। ये चीज़ें हम आज क्वेश्चन नंबर 1 में सीखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है कि कंप्यूट द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। यानी हमें ए और बी उसने दो वेक्टर्स दे दिए हैं, इन वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेके बताना है हमने कि इसका आंसर क्या आता है। उसके बाद आगे क्या कह रहा है कि चेक योर आंसर बाय शोइंग दैट ईच वेक्टर ए और बी जो है वो परपेंडिकुलर है ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के। ठीक है, ये हम आगे बाद में करते हैं, पहले हम इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं। तो जब दो वेक्टर्स को आपने क्रॉस प्रोडक्ट लेना होता है ना, बड़ा ही आसान मेथड है कि ए क्रॉस बी इज़ इक्वल टू किसके इक्वल होता है। आपने यहाँ पे एक मॉड लगाना है और ऊपर आपने आई जे के लिखना है, आई जे और के। ठीक है, नीचे उनके कोफिशेंट्स लिखने हैं, पहले ए के कोफिशेंट्स आएंगे। ये आपने ख्याल रखना है कि बी क्रॉस ए होता है तो बी के पहले आते, अब ए का सेट पहले आएगा। ए का जो वेक्टर है वो है 2, 1 और -1। यहाँ पर हम 2, 1 और -1 लिखेंगे। ये 2 क्या है, आई का कोफिशेंट है, 1 जे का और के का -1 कोफिशेंट है। इसी तरह उसके बाद आएगा बी, आई का कोफिशेंट हमारे पास है 1 और जे का कोफिशेंट -1 है और के का कोफिशेंट आपके पास +1 है। तो ये मेथड होता है क्रॉस प्रोडक्ट लेने का। अब आपने इस मॉड को ओपन कर लेना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको ओपन करने के लिए मैं यहाँ इसको रो 1 से ओपन कर रहा हूँ, यहाँ आई आएगा बाहर। ठीक है, अंदर आपके पास आ जाएगा आई मल्टीप्लाई 1 × 1 आता है, माइनस लगेगा, उसके बाद -1 × -1 +1 होगा आपके पास। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपके पास आएगा माइनस जे। ठीक है, पहली वैल्यू के साथ पॉजिटिव और दूसरा जब आता है जे उसके साथ माइनस लगता है, तीसरा के साथ भी प्लस लगेगा। अब जे जब होगा तो इसको छोड़ देना, हमने 2, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 आएगा, फिर 1 - 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर -1 आएगा और दरमियान में आपके पास क्या होगा, माइनस का साइन आएगा फॉर्मूले वाला, समझ आ रही है। उसके बाद आएगा प्लस के इन टू, जब हम के लेंगे तो इसको छोड़ देंगे, ये आपके पास आएगा 2 × -1 - 2 आएगा, उसके बाद ये 1 × -1 - 1 आएगा। ठीक है, और दरमियान में कौन सा साइन आएगा, माइनस का आएगा फॉर्मूले वाला। ठीक है, ये आपके पास इस तरह कुछ बनेगा। अब 1 - 1 कितना होता है, 0 होता है, तो 0 आई आएगा इधर। ठीक है, उसके बाद माइनस जे इन टू 2 - -1 + 1 होगा। ठीक है, प्लस के इन टू -2 और -1 + 1 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये जो प्लस माइनस होगा वो आपके पास माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ +1 आ रहा है। ठीक है, आगे 0 i - 2 + 1 3 होता है, तो ये आ जाएगा 3j और -2 - 1 - 3 होगा, -3k आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास वो वेक्टर आ गया जो a क्रॉस b के इक्वल है, यानी a क्रॉस b का जो आपका आंसर है वो ये आपके पास आ रहा है। अब हमने ये भी चेक करना है कि जो a क्रॉस b का जो आंसर है वो ए और बी के परपेंडिकुलर है या नहीं। उससे पहले हम बी क्रॉस ए निकालते हैं। अब हम यहाँ पे निकालेंगे बी क्रॉस ए, उसमें क्या होगा, सिर्फ बी पहले आ जाएगा, ए बाद में आएगा। ऊपर तो आई जे के आपने ऐसे लिखने हैं, आई जे और के, नीचे पहले बी के कोफिशेंट्स आएंगे। बी कोफिशेंट है आपके पास 1 - 1 और 1 1 - 1 और 1 इधर आ जाएगा। उसके बाद जो ए है, ए आपके पास है 2, 1 और -1। ठीक है, इस मॉड को ओपन कर लेंगे, आपके पास पहले होगा आई इन टू, आई जब आपने लेना इनको छोड़ देना, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, -1 × -1 + 1 होगा और 1 - 1 - इधर आ जाएगा, 1 × 1 1 होता है और माइनस वो फॉर्मूले वाला लग गया। उसके बाद माइनस जे इन टू, अब जब जे लेंगे तो इसको इसको छोड़ देना, ये -1 - 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस आएगा। ठीक है, उसके बाद माइनस फार्मूले वाला और 2 × 1 = 2 आ जाएगा, फिर प्लस के इन टू, इसको और इसको छोड़ देंगे, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 1 और 2 × 1 = 1, एक माइनस लगेगा और 2 × 1 = 1, यहाँ पे 2 आ जाएगा आपके पास, माइनस है तो यहाँ पे इसके साथ माइनस भी आएगा। ठीक है, अच्छा इससे आगे देखते हैं, अब आएगा आई -1 + 1 = 0 आ गया। ठीक है, उसके बाद माइनस जे इन टू -2 - 1 - 3 हो जाएगा और प्लस के इन टू +-, तो ये प्लस के हो जाएगा, +3 हो जाएगा आपके पास। मैं बल्कि इसको यहाँ लिखता हूँ 1 - -+ उसके बाद 2, यहाँ आएगा i - 0 i
माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 3j, और ये 2 प्लस 1 3 प्लस 3k आपके पास आ जाएगा। तो जो b क्रॉस a का सेट वेक्टर है वो आपके पास ये आ गया, ठीक है। ये a क्रॉस b का आंसर आया और ये b क्रॉस a का आंसर आया। देखिए दोनों में सिर्फ डायरेक्शन का फ़र्क है, माइनस का फ़र्क है, बाकी दोनों वैक्टर सेम है। तो अब हमने यहाँ तक कर लिया, अब आगे हमने चेकिंग करनी है कि चेक योर आंसर कि जो ए और बी है वो दोनों इन दोनों के परपेंडिकुलर हैं या नहीं, ठीक है। अब हमने ये चेक करना है कि जो ए है वो और ए क्रॉस बी ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं या नहीं। उसके बाद हम चेक करेंगे बी और ए क्रॉस बी आपस में परपेंडिकुलर हैं या नहीं, फिर हम इसी तरह बी क्रॉस ए के साथ भी करेंगे। अभी हम इन दोनों को चेक करने वाले हैं। तो जो ए है वो आपके पास कितना है, अच्छा परपेंडिकुलर का कैसा पता चलेगा, आपने जिस जिन दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर सपोज कर चेक करना होता है उनका आपने डॉट प्रोडक्ट लेना होता है, ठीक है। हमने पहले क्वेश्चन में भी यही किया, बार बार डिस्कस करते रहे हैं कि दो वेक्टर्स का जब डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो आता है तो वो दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। तो अब ए और ए क्रॉस बी का हम डॉट प्रोडक्ट लेने वाले हैं यहाँ पर, ए डॉट ए क्रॉस बी। ए का आंसर आपके पास क्या आ रहा है, 2i प्लस जे और माइनस के, ये टू ये ए का वेक्टर है। उसके बाद डॉट प्रोडक्ट लेंगे ए क्रॉस बी के साथ, ए क्रॉस बी आपके पास क्या आंसर आया है, 0i माइनस 3j माइनस 3k, 0i माइनस 3j और माइनस 3k आ जाएगा। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, अब 2 0 ज़ार 0 आएगा, जे इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस 3 आ जाएगा, और माइनस 1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 3 आ जाएगा। तो इनको प्लस माइनस करके आपके पास आंसर 0 आ रहा है, इट्स मीन दैट ए इज़ परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी। इसका मतलब है जो ए आंसर आ रहा है, जो ए वेक्टर था वो ए क्रॉस बी के परपेंडिकुलर है, और ऐसा ही होता है, ठीक है। दो वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट है ना, वो जिन दो वेक्टर्स का क्रॉस है उन वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल ए ये है, ठीक है, और बी ये है, तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा ना इसके ऊपर ऐसे ऊपर को आएगा परपेंडिकुलर, वो ऐसे बनेगा ऊपर को, बिल्कुल ऊपर को आएगा। चलें इससे आगे अब देखते हैं कि हम ए और ए क्रॉस बी को चेक कर लिया, अब बी और बी ए क्रॉस बी को चेक करेंगे। चलें ए और ए क्रॉस बी को चेक किया, अब हम बी और ए क्रॉस बी को चेक करेंगे, बी एंड ए क्रॉस बी इन दोनों को चेक करते हैं कि ये दोनों बी आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं या नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए मेरे पास बी वेक्टर होना चाहिए, मैं इधर लिखूँगा बी डॉट ए क्रॉस बी। बी हमारे पास वेक्टर क्या है, आई माइनस जे प्लस के, ये आपके पास वेक्टर बी है, और इसका जो डॉट प्रोडक्ट है वो हम लेंगे ए क्रॉस बी के साथ। ए क्रॉस बी का हमारे पास आंसर क्या आया हुआ था, 0i माइनस 3j और माइनस 3k, ठीक है। अब इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट लेंगे, इधर i जो है y के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 आएगा, क्योंकि i डॉट i 1 होता है, और 0 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया। इसी तरह माइनस जे जब प्लस माइनस जे जब माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 3 आ जाएगा, j डॉट j जो है वो 1 होता है। अब ये भी माइनस 3 आ जाएगा, k डॉट k 1 होता है, और 1 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 3 आ जाएगा। तो इसका आंसर जो इक्वल टू 0 आ रहा है, तो जब दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, ए का और ए क्रॉस बी का, और ए क्रॉस बी का जो आंसर है ना डॉट प्रोडक्ट है वो जब इक्वल टू 0 आ रहा है, तो जिनका प्रोडक्ट ले रहे हैं वो दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ पे हमने ये भी शो करवा दिया कि जो बी है वो भी ए क्रॉस बी के परपेंडिकुलर है, ठीक हो गया। अब हम चेक करेंगे ए को विद बी क्रॉस ए, ठीक है। उसके बाद हम चेक करेंगे ए को बी को बी क्रॉस ए के साथ, ए डॉट बी क्रॉस ए। उसके लिए मुझे पहले ए का वेक्टर चाहिए, ए का वेक्टर आपके पास क्या है, 2i प्लस जे माइनस के, और उसके साथ बी क्रॉस ए चाहिए। बी क्रॉस ए आपके पास कितना है, यहाँ पे हमने निकाल के रखा हुआ है, बी क्रॉस ए को सॉल्व किया था तो आपके पास आंसर आया था 0 प्लस 3j प्लस 3k, 0 प्लस 3j प्लस 3k, तो ये आपके पास था बी क्रॉस ए। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 0 ज़ार 0 आ गया, क्योंकि 0 आई है ना ये, अच्छा, और 1 3 ज़ार 3 हो गया, और माइनस 1 3 ज़ार माइनस 3 हो जाएगा आपके पास, ठीक है। इन सब को प्लस माइनस करने के बाद आपके पास आंसर 0 आ रहा है, और अगर 0 आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि जो ए है वो और जो बी क्रॉस ए है वो इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, तो ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। इसी तरह लास्ट जो है वो बी को भी चेक करना है आपने, बी क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इन दोनों को चेक करना आपने कि ये दोनों भी आपस में परपेंडिकुलर हैं या नहीं है। तो
तो वही मेथड है, पहले आप बी डॉट बी क्रॉस ए लिखोगे, उसके बाद बी का वेक्टर जो है वो आप लिखोगे, वो है आपके पास आई माइनस जे प्लस के, और बी क्रॉस ए का जो वेक्टर है वो आपके पास है ज़ीरो आई प्लस थ्री जे प्लस थ्री के, ज़ीरो आई प्लस थ्री जे प्लस थ्री के, ये आपके पास वेक्टर है। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे, इस ज़ीरो ज़ीरो से मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो ही आएगा, ज़ीरो वन के साथ मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो आएगा, और थ्री वन ज़ार माइनस थ्री और थ्री ये प्लस वाला आ जाएगा। तो इसका आंसर बी इक्वल टू ज़ीरो है, तो हम कह सकते हैं कि बी जो है वो भी परपेंडिकुलर है किसके, बी क्रॉस ए के। ठीक है, तो यहाँ पे हमने चेक कर लिया कि जो हमारा ए है वो ए क्रॉस बी के भी परपेंडिकुलर है और बी क्रॉस ए के भी परपेंडिकुलर है। इसी तरह जो हमारा बी है वो भी ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों के परपेंडिकुलर है। ये चार केसेस हमने करने हैं। यहाँ तक हमने ए क्रॉस बी फाइंड कर लिया था, ये उसका आंसर आ गया था। यहाँ पे हमने बी क्रॉस ए फाइंड किया, ठीक है, ये उसका आंसर आ गया था बी क्रॉस ए का। उसके बाद हमने चेक करना था, चेकिंग मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, ये चेकिंग है। पहले हमने ए को ए क्रॉस बी के साथ चेक किया, मल्टीप्लाई करके डॉट प्रोडक्ट लेके उसका आंसर जीरो आता है, यानी जीरो आ गया तो वो परपेंडिकुलर है दोनों। उसके बाद मैंने बी को चेक किया ए क्रॉस बी के साथ मल्टीप्लाई करके, ये बी और ए क्रॉस बी, तो उसका भी आंसर आपके पास जो है वो जीरो आ गया। जीरो आ गया तो इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। इसी तरह मैंने ए को फिर बी क्रॉस ए के साथ चेक किया, उसका आंसर भी जीरो आ गया, और इसी तरह मैंने फिर बी को बी क्रॉस ए के साथ चेक किया, उसका आंसर भी जीरो आ गया, मीन कि ये भी दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, तो ये इसका फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये तीनों पार्ट अगले सेम ऐसे ही हैं बिल्कुल। इनमें पहले आपने क्रॉस प्रोडक्ट ले लेना दोनों का, और उसके बाद चेकिंग करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं वो सेकंड पार्ट 7.4 का क्वेश्चन नंबर जो 1 का सेकंड पार्ट है वो देखते हैं। उसमें उसने हमें ए की वैल्यू आई और जे प्रोवाइड कर दी है, और बी की वैल्यू आई माइनस जे प्रोवाइड कर दी है। तो वही काम करना है जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। पहले हम ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे, फिर बी क्रॉस ए फाइंड करेंगे, फिर बाद में सबका प्रोडक्ट लेके देखेंगे कि कौन कौन आपस में परपेंडिकुलर है, सारे परपेंडिकुलर होंगे। अच्छा, अब ए क्रॉस बी के लिए पहले आप ऊपर आई जे और के लिखोगे, वही मेथड। उसके बाद आप पहले ए के कोफिशिएंट्स लिखोगे, आई और जे है, के नहीं है, के की जगह जीरो आएगा, आई और जे के कोफिशिएंट्स वन और वन है, वही लिखेंगे हम। इसी तरह बी के कोफिशिएंट्स हैं आई माइनस जे, ठीक है, वन और माइनस वन आएगा, के उसमें भी नहीं है तो यहाँ ज़ीरो आएगा, के कोफिशिएंट्स इसमें नहीं आएंगे। अब इनको जो मैं जब मैं ओपन करूँगा, यहाँ आएगा मेरे पास आई ब्रैकेट, उसके बाद जब आई के कोफिशिएंट्स को छोड़ देंगे, ठीक है, और इसके साथ ज़ीरो मल्टीप्लाई होगा ज़ीरो के साथ, माइनस वन मल्टीप्लाई होगा ज़ीरो के साथ, ये आपके पास ज़ीरो माइनस ज़ीरो आएगा। इसी तरह माइनस जे इन टू, जब जे होगा ये छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, आपके पास ज़ीरो मल्टीप्लाई होगा वन के साथ, और माइनस वन मल्टीप्लाई होगा ज़ीरो के साथ, वो फिर भी आपके पास ये ज़ीरो माइनस ज़ीरो ही आएगा आपके पास। फिर प्लस के इन टू, जब के है तो इसको छोड़ देंगे, वन मल्टीप्लाई माइनस वन माइनस वन आएगा, माइनस फार्मूले वाला, उसके बाद वन मल्टीप्लाई वन आपके पास यहाँ वन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये आपके पास जो बनेगा वो आगा ज़ीरो आई प्लस या माइनस ज़ीरो जे, और उसके बाद माइनस वन और माइनस वन माइनस टू के आ जाएगा आपके पास। तो ये माइनस टू के आ गया ए क्रॉस बी का आंसर। इसी तरह आप बी क्रॉस ए निकालोगे, बी क्रॉस ए, उसमें और इसमें क्या फ़र्क है कि इसमें बी पहले होगा और ए बाद में होगा, बस और कोई फ़र्क नहीं है। इसी तरह ऊपर आई जे और के लिखेंगे आप, आई जे के लिखने के बाद पहले बी के कोफिशेंट्स आएंगे विच इज़ माइनस वन वन और ज़ीरो, ठीक है, वन माइनस वन और ज़ीरो, और जो ए है उसके कोफिशेंट आपके पास वन वन और ज़ीरो आएंगे। इससे आगे आपके पास क्या होगा कि आपने इसको ओपन कर देना, जैसे ऊपर ओपन किया आई बाहर आएगा, और आई के कॉलम और रो छोड़ देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ज़ीरो माइनस ज़ीरो। इसी तरह जे के लिए भी ऐसे ही ज़ीरो माइनस ज़ीरो होगा, और प्लस के के लिए भी आपके पास वन मल्टीप्लाई वन वन होगा, और माइनस वन मल्टीप्लाई वन माइनस वन होगा, तो ये आपके पास आ जाएगा। इसी तरह ये बनेगा ज़ीरो आई प्लस ज़ीरो जे और प्लस माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगा, ठीक है, वन प्लस वन आपके पास टू बनेगा, तो यहाँ प्लस टू के आ जाएगा आपके पास। ये आपके पास आ गया बी क्रॉस ए का आंसर, बी क्रॉस ए का जो वेक्टर है। अब अगला काम अपने क्या करना होता है, अपनी चेकिंग करनी होती है। चेकिंग हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो चेकिंग आपने इस तरह करनी होती है कि बल्कि मैं यहाँ से ही आकर स्टार्ट करता हूँ। चेकिंग आपके पास इस तरह होती है कि क्वेश्चन में उसने कहा है कि वेरीफाई योर आंसर, आपने ए को मल्टीप्लाई करना है
ए का डॉट प्रोडक्ट लेना है, ठीक है, चेक करना है ना कि आपस में परपेंडिकुलर हैं या नहीं। ए का डॉट प्रोडक्ट लेना है ए क्रॉस बी के साथ, ठीक है। इसी तरह आपने बी का डॉट प्रोडक्ट लेना है ए क्रॉस बी के साथ, ठीक है। इसी तरह फिर आपने ए का डॉट प्रोडक्ट लेना है बी क्रॉस ए के साथ, और इसी तरह फिर आपने बी का डॉट प्रोडक्ट लेना है बी क्रॉस ए के साथ, ठीक हो गया। ये अपनी चार वेरिफिकेशंस करनी है। अगर इनका आंसर जीरो आए तो उसका मतलब है ए जो है वो ए क्रॉस बी के परपेंडिकुलर है और होना भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट का जो आंसर होता है वो हमेशा उस उन गिवन वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है। इसी तरह बी को भी परपेंडिकुलर होना चाहिए ए क्रॉस बी के, और इसी तरह ए को बी क्रॉस ए के और बी को भी बी क्रॉस ए के परपेंडिकुलर होना चाहिए, यानी इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो इक्वल टू जीरो आएगा आपके पास। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। आई मल्टीप्लाई बाई आई ज़ीरो होगा, जे मल्टीप्लाई बाई ज़ीरो ज़ीरो होगा, और इसी तरह इसके पास के का कोफिशेंट नहीं है, ज़ीरो के है यानी कि, तो जो ज़ीरो होगा वो टू के साथ मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे भी ज़ीरो आ जाएगा। तीनों का आंसर इक्वल टू ज़ीरो आ गया। इसका मतलब है जो ए और ए क्रॉस बी हैं ये दोनों क्या हैं आपस में, आर परपेंडिकुलर, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। इसी तरह बी और ए क्रॉस बी चेक करना है। बी का आपके पास फैक्टर आपके पास क्या होगा, यहाँ से आई माइनस जे, ठीक है, और जो ए क्रॉस बी है उसका आंसर आपके पास क्या आया हुआ है, ये ज़ीरो प्लस ज़ीरो प्लस टू के, ज़ीरो आई प्लस ज़ीरो जे माइनस टू के आपके पास होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आई डॉट आई जी वन होता है, लेकिन इसका आई का कोफिशिएंट वन है, वन ज़ीरो ज़ीरो होगा, ये भी ज़ीरो आएगा, और इसी तरह इसके पास के ज़ीरो है तो ज़ीरो आएगा इसका भी। तीनों का आंसर इक्वल टू ज़ीरो आया तो हम कहेंगे कि जो बी है दैट इज़ परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी। इसी तरह ए की जगह उसकी वैल्यू लगाएंगे, ए किसके इक्वल है, आई प्लस जे, ये जो ऊपर लिखा हुआ है, और उसके बाद डॉट बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए आपके पास यहाँ लिखा हुआ है ज़ीरो प्लस ज़ीरो जे प्लस ज़ीरो टू के, ज़ीरो आई प्लस ज़ीरो जे प्लस टू के। अब इनका हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे। अब आई डॉट आई ये भी ज़ीरो होगा, जे इसमें ज़ीरो ज़ीरो होगा, और के इसमें है ही नहीं, तो इधर टू हो या ना हो आंसर ज़ीरो आना है। तो इनका भी डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो है, इसका मतलब है कि ए इज़ आल्सो परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस ए, ठीक है, ये भी वेरिफिकेशन होगी। अब लास्ट वाला हमने देखना है। इसी तरह जो बी है उसका डॉट प्रोडक्ट लेना है इन दोनों के साथ। बी का वेक्टर आपके पास क्या है, आई माइनस जे, बी की जगह हम लगाएंगे आई माइनस जे, ठीक है, ये आपके पास आई है, और डॉट लेंगे बी क्रॉस ए के साथ। बी क्रॉस ए का आंसर आपके पास है ज़ीरो प्लस ज़ीरो प्लस टू, ज़ीरो आई प्लस ज़ीरो जे और प्लस टू के। अच्छा, अब आई डॉट ये ज़ीरो आएगा, ये भी आपके पास ज़ीरो बनेगा, और इधर के नहीं है तो इधर के है तो इसका आंसर भी ज़ीरो होगा। इन सबको ऐड करने के बाद भी ज़ीरो आएगा, इसका मतलब है बी और बी क्रॉस ए ये दोनों भी आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो इसका सेकंड पार्ट है वो कंप्लीट होता है। आगे क्वेश्चन नंबर इसका जो थर्ड और फोर्थ पार्ट है वो भी सेम ऐसे ही है, ट्राई करें खुद हो जाए, ना हुआ तो फिर देखते हैं कैसे करना है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, बेशक इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको खुद बैठ के सॉल्व करें, ना है तो यहाँ से देख लीजिए। चलिए ए क्रॉस बी फाइंड करते हैं तीसरे पार्ट में। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, उसी तरह आपको मॉडल लगाना पड़ेगा, और ऊपर आपको उसी तरह आई जे के लगाना होगा, ठीक है। नीचे पहले ए के कोफिशिएंट्स लगाओगे विच इज़ थ्री माइनस टू और वन, और उसके बाद बी के लगाओगे वन वन एंड ज़ीरो। उसके बाद आपने इसको ओपन कर लेना है, आई इधर आएगा एज इट इज़, उसके बाद आई का कॉलम छोड़ देना, तो ये टू और ज़ीरो आपस में मल्टीप्लाई होगा, ज़ीरो आएगा और माइनस, उसके बाद वन मल्टीप्लाई वन वन होगा, फिर प्लस जे, ठीक है, जो सेकंड वाला होता है वो माइनस होता है, आई प्लस वाला आएगा, जे माइनस वाला आएगा, इसी तरह के प्लस वाला आएगा इधर आगे, और के आगे कोई और होता है तो उसके साथ भी हम माइनस लगाते हैं, तो माइनस जे इन टू ये छोड़ देंगे, थ्री ज़ीरो ज़ार ज़ीरो हो गया और वन वन ज़ार वन आ गया। इसी तरह प्लस के इन टू के वाला छोड़ देंगे, उसके बाद वन थ्री ज़ार थ्री हो गया और माइनस, फिर टू टू ज़ार टू वन ज़ार माइनस टू इधर आ जाएगा। उसके बाद आपके पास आएगा माइनस आई, माइनस 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 प्लस जे हो जाएगा आपके पास, और थ्री माइनस माइनस प्लस टू, थ्री प्लस टू फाइव, ये प्लस फाइव के आ जाएगा आपके पास।
तो ये आपके पास ए क्रॉस बी का आंसर आ गया। इसी तरह आप बी क्रॉस ए का आंसर भी निकालेंगे, ठीक है। आपके पास किसके इक्वल होगा, ऊपर आपने इस तरह आई जे और के लगाना है, और जो बी के कोफिशेंट्स हैं वो पहले आएंगे, वो होगा 1, 1 एंड 0। इसी तरह ए के कोफिशेंट्स आपके पास 3, -2 और 1 नीचे आएंगे। आप इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, तो उसी तरह आई आएगा शुरू में और आई का कोफिशेंट छोड़ देंगे, 1 × 1 1 होगा, फिर -0 क्योंकि 2 0 0 होता है। उसके बाद -j इंटू जे वाला कोफिशेंट छोड़ देंगे, 1 1 1 हो गया और 3 0 0 आ जाएगा। फिर प्लस k इंटू k का कॉलम छोड़ देंगे, 2 1 0 -2 हो गया और 3 1 0 3 आ गया। फार्मूले वाला एक माइनस इधर में आएगा, ठीक है। इसी तरह 1 -0 1 आ गया, 1 i से मल्टीप्लाई होकर i आ जाएगा और ये -j आ जाएगा, और -2 और -3 -5, तो ये -5 के आपके पास आ जाएगा। तो ये आपके पास आ गया बी क्रॉस ए, ठीक है। तो अब आगे आपने क्या करना है, अब आपने वही काम करना है जो पहले कर रहे थे, इन सबको चेक करना है, वेरिफिकेशन करनी है। तो वेरिफिकेशन करने के लिए पहले मुझे क्या करना होगा, ए डॉट ए क्रॉस बी चेक करना होगा, इसी तरह फिर मुझे बी डॉट ए क्रॉस बी चेक करना होगा, ठीक है, ये तीनों वैक्टर्स हैं। और इसी तरह फिर मुझे ए डॉट बी क्रॉस ए चेक करना होगा, और फिर बाद में मुझे बी डॉट ए क्रॉस बी क्रॉस ए चेक करना होगा, ठीक है। ये चार वेरिफिकेशन मुझे करनी है और चेक करना है कि वाकई ही जो ए क्रॉस बी है वो ए और बी के परपेंडिकुलर होता है या नहीं होता। इसी तरह जो बी क्रॉस ए है वो ए और बी के परपेंडिकुलर होता है या नहीं। तो ए की वैल्यू आपके पास है 3i -2j और प्लस के, और इसी तरह ए क्रॉस बी का आपके पास आंसर क्या आएगा, ये यहाँ से -i -j और +5k, -i -j और +5k आपके पास आएगा, ठीक है, ये प्लस j है। उसके बाद 3 1 0 -3 हो जाएगा और 2 1 0 -2 हो गया, और ये 5 1 0 5 आ गया। तो इन दोनों को प्लस माइनस करने के बाद आपके पास आंसर 0 आ रहा है। 0 आ रहा है तो हम कह सकते हैं, 0 आ रहा है तो फिर a इज परपेंडिकुलर टू a क्रॉस b होगा, ठीक है। अब हम इसी तरह b डॉट a क्रॉस b करेंगे। b का सेट आपके पास है i+j, और a क्रॉस b का आपके पास आंसर जो है वो क्या आया हुआ है, वो है -i और +j और -5k आपके पास आया हुआ है, ठीक है। अब इन दोनों को भी चेक करेंगे तो i.i 1 आ जाएगा और j.j 1। अच्छा, i.i 1 होता है लेकिन ये -1 है तो यहाँ माइनस आएगा, ठीक है, और j.j 1 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 0k है, 0k जब 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा। तो इन सबको प्लस माइनस करने से आपके पास आंसर 0 आ रहा है। 0 आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि जो b है वो परपेंडिकुलर है किसके, a क्रॉस b के, ठीक है। अब हम थर्ड को करते हैं वेरीफाई। इसमें हमने पहले a का वेक्टर लिखना है। a का वेक्टर आपके पास कितना है, 3 -2j + k, 3 -2j + k। उसके बाद आपने लेना है b क्रॉस a। b क्रॉस a का आंसर आपके पास ये आया हुआ है, अगर आपको नज़र आ रहा हो b क्रॉस a का, ये हमने सॉल्व किया था और ये हमारे पास आंसर आया था +i -j + 5 -5k, i -j - 5k। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसके साथ आई था। अच्छा, अब 3 × 1 = 3 आएगा, 2 × -1 = -2 आएगा, और k × -5 = -5 आएगा, ठीक है। तो इनको अगर हम सॉल्व करें तो आपके पास आंसर 0 आ रहा है। 0 आ रहा है तो आप कह सकते हो कि जो a है दैट इज़ परपेंडिकुलर टू b क्रॉस a। इसी तरह ये करेंगे तो इसमें b आपके पास सेट होगा i + j, ये b का है सेट, और b क्रॉस a का आंसर आपके पास आया हुआ है +i - j - 5k। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, j को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो -1 आएगा, और इधर k नहीं है तो 0 × 5 होगा 5 के साथ, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो आंसर इनका 0 बन गया। अगर आंसर 0 आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि जो b है दैट इज़ परपेंडिकुलर टू b क्रॉस a। तो यहाँ से हमने इसको वेरीफाई कर दिया कि वाकई ही दो जो डॉट पर जो दो वैक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट है उसका जो आंसर आ रहा होता है वो उन वैक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है। जैसे a क्रॉस b था वो a के परपेंडिकुलर था, a क्रॉस b के परपेंडिकुलर था, इसी तरह जो b क्रॉस a हमने निकाला था वो a के भी परपेंडिकुलर है और b के भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, ये देखें, जैसे ए और बी की हमारे पास वैल्यूज दी हुई थी,
तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, पहले हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट लेने के लिए आपको मॉड लेना होता है, ऊपर आई जे की आता है इसी तरह। पहले आपके पास ए का वेक्टर होता है सारा, ए के कोफिशिएंट्स माइनस फोर वन और माइनस टू है, मैंने यहाँ लिखे। उसके बाद बी के कोफिशिएंट्स टू वन और वन मैंने यहाँ लिखे। अब इसको एक्सपेंड करना होगा, एक्सपेंड करने के लिए ऊपर आई एज इट इज़ आएगा, अंदर आपके पास ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे तो वन मल्टीप्लाई वन वन आएगा, उसके बाद माइनस, फिर वन टू ज़र माइनस टू, इधर माइनस टू आ जाएगा आपके पास। फिर उसके बाद माइनस जे इन टू ये वाला कॉलम छोड़ देंगे, ये रो छोड़ देंगे, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस फोर आएगा, और माइनस फिर टू टू ज़र प्लस फोर यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, टू टू ज़र फोर ये माइनस फोर होगा। उसके बाद आएगा प्लस के इन टू, के वाला कॉलम छोड़ देंगे, वन फोर ज़र माइनस फोर, फिर माइनस आएगा, फिर टू टू ज़र वन फोर ज़र फोर और टू वन ज़र यहाँ पे टू आ जाएगा आपके पास। उसके बाद माइनस माइनस प्लस टू हो गया, वन प्लस टू थ्री आई आ जाएगा यहाँ पे आपके पास। इसी तरह माइनस जे इन टू माइनस फोर प्लस फोर आएगा ये, जो कि अगले स्टेप में इक्वल टू ज़ीरो होगा, प्लस के इन टू माइनस फोर माइनस टू माइनस सिक्स हो जाएगा आपके पास। तो ये आएगा सिक्स आई प्लस ज़ीरो जे, क्योंकि माइनस फोर प्लस फोर ज़ीरो हो जाएगा तो वो ज़ीरो जे ही आएगा माइनस सिक्स के। तो ये आपके पास ए क्रॉस बी का आंसर आ गया। इसी तरह आप बी क्रॉस ए आप निकालेंगे, ठीक है, उसमें और इसमें ये फ़र्क है कि उसमें बी पहले होगा और इसमें उसमें बी पहले होगा और ए बाद में होगा, बस और कोई फ़र्क नहीं है दोनों में। तो ऊपर आपके पास इसी तरह आई जे और के आएगा, और नीचे पहले बी के वैक्टर्स आएंगे टू वन और वन, कोफिशेंट्स बी के वैक्टर के ये टू वन और वन, और उसके बाद जो नीचे है आपके पास आएंगे माइनस फोर प्लस वन और माइनस टू, माइनस फोर वन और माइनस टू नीचे आ जाएगा। अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड करने के लिए वही मेथड है, पहले आप आई एज इट इज़ लिखोगे, उसका कॉलम छोड़ देंगे और टू वन के साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस टू आएगा, उसके बाद माइनस फार्मूले वाला और वन वन के साथ मल्टीप्लाई होकर यहाँ वन आ जाएगा। उसके बाद प्लस जे इन टू ये वाला कॉलम छोड़ देंगे, टू टू ज़र माइनस फोर हो गया, माइनस फोर वन ज़र माइनस फोर हो गया, ठीक है। उसके बाद आपके पास आएगा प्लस के इन टू, अच्छा यहाँ पे जे की जगह यहाँ माइनस आना है, सही है, क्योंकि पहला पॉजिटिव होता है उसके बाद यहाँ माइनस लेते होते हैं, फिर यहाँ प्लस, और अगर इससे आगे कोई और हो चौथा कारण अगर हमारे पास होता है तो वहाँ फिर हम इसके साथ माइनस लेते हैं एक्सपेंड करते हुए। अच्छा के इन टू के वाला कलम छोड़ देंगे, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, टू वन ज़र टू और माइनस, फिर फोर वन ज़र माइनस फोर इसके साथ आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इससे आगे माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री होता है, तो माइनस थ्री आएगा आपके पास ये, उसके बाद माइनस फोर और प्लस फोर ज़ीरो आ जाएगा। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ माइनस ज़ीरो जे या प्लस ज़ीरो जे एज यू विश, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस फोर और माइनस फोर आपस में वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो प्लस के माइनस माइनस प्लस फोर हो जाएगा, टू प्लस फोर कितना होता है सिक्स, तो ये सिक्स के आ जाएगा आपके पास। तो ये आपके पास जो आंसर है ये आ गया है बी क्रॉस ए का आंसर। पहले हमने ए क्रॉस बी निकाला, अब बी क्रॉस ए निकाला है। अब आगे हमने चार वैल्यूज उसी तरह निकालनी है जैसे हमने पहले पिछले क्वेश्चन में निकाला, तो उसके बाद ये चार वैल्यूज़ आपने निकालनी है, वेरिफिकेशन करनी है कि वाकई जो आपका आंसर आया ना ए क्रॉस बी का जो प्रोडक्ट आंसर है वो ए के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी परपेंडिकुलर है। तो उसके लिए ये दो वेरिफिकेशन हैं। इसी तरह अगर बी क्रॉस ए हमने निकाला है तो वो ए के परपेंडिकुलर है या नहीं, तो उसके लिए हम डॉट प्रोडक्ट लेके देखते होते हैं, जैसा कि हमने पिछले पार्ट में किया था। अब ए डॉट ए क्रॉस बी है तो ए की जगह उसका आंसर लगाएंगे, दैट इज़ माइनस फोर आई प्लस जे और प्लस माइनस टू के आ जाएगा आपके पास, ठीक है। इसी तरह डॉट प्रोडक्ट आएगा विद ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का आपके पास आंसर क्या आया था, थ्री आई प्लस ज़ीरो जे और माइनस सिक्स के, इनको मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास मल्टीप्लाई करके मेरे पास आंसर ज़ीरो आ गया, ठीक है। अगर ज़ीरो है तो फिर ए इज़ परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी, ठीक है। इसी तरह ये इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद आपके पास आंसर आएगा, तो आंसर ज़ीरो आ गया। आंसर ज़ीरो आ गया तो हम कहेंगे कि जो बी है दैट इज़ परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी, तो बी भी है वो ए क्रॉस बी के परपेंडिकुलर आ गया। इसी तरह ये सॉल्व करेंगे, तो ये मैंने पहले ए की वैल्यू लिख ली, उसके बाद बी क्रॉस ए की वैल्यू लिख ली, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर ज़ीरो आ गया। तो अगर ज़ीरो आ गया है तो हमारे पास हम कहेंगे कि जिन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेके आंसर ज़ीरो है वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। ए इज़ परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस ए। सिमिलरली ये लास्ट वाला करेंगे, पहले मैं बी और बी क्रॉस ए की वैल्यू पुट करूँगा, अब हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, तो इसका आंसर आपके पास ज़ीरो आ गया। अगर ज़ीरो आ गया तो हम कहेंगे कि जो बी है दैट इज़ परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस ए, यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। तो
तो ये हमने इसकी वेरिफिकेशन भी कर ली मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, अब हम आगे क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं। ए एंड बी ऑपरेंड जिसमें ए और बी कंटेन कर रहे हैं, उसके पेंडिकुलर कोई वेक्टर है जिसका यूनिट वेक्टर फाइंड कर लेना है। ठीक है, अच्छा हमारे पास ए और बी ये एक फॉर एग्जांपल प्लेन है। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको इस तरह बनाता हूँ, ये एक प्लेन है फॉर एग्जांपल पड़ा हुआ। अब इसके अंदर ये ए है ये बी है, दो वैक्टर हैं हमारे पास, तो हमने इसके परपेंडिकुलर जो ऊपर इसका वैक्टर बनेगा ना उसका यूनिट वैक्टर फाइंड करना है। तो अगर मेरे पास ये ए है ये बी है या स्मॉल ए स्मॉल बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा ना, इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेने से जो आंसर आएगा, जो वेक्टर ओपेन होगा वो वेक्टर इससे ऊपर वाला होगा। ठीक है, इन दोनों वेक्टर से ऊपर जो इस इन दोनों के साथ जिसका एंगल 90 डिग्री बन रहा हो वो हमारा आंसर होता है। ठीक है, ए क्रॉस बी जब हम फाइंड करते हैं तो जो ए क्रॉस बी का आंसर आ रहा होता है फॉर एग्जाम्पल वो सी होता है, वो जो सी होता है ना वो ए और बी इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। तो इन दोनों के वैक्टर, ये दोनों वैक्टर जिस प्लेन में होंगे उस प्लेन के वो परपेंडिकुलर होगा। वो वैक्टर कब कैसे ओपन होगा, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेके। तो अब हमें ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट लेना होगा। ठीक है, तो ये मैंने ए क्रॉस बी लिख दिया। ठीक है, ऊपर आई जे के इसी तरह आएगा, उसके बाद ए का वेक्टर सारा लिखेंगे, फिर बी का वेक्टर लिखेंगे उसके कोफिशिएंट्स, उसके बाद हम इसको एक्सपेंड करेंगे। तो ये मैंने इसको एक्सपेंड करके पहला स्टेप इस तरह लिख दिया। ठीक है, दूसरे स्टेप में क्या होगा कि आई इसी तरह रहेगा, सिक्स माइनस माइनस प्लस नाइन होगा ना, सिक्स और नाइन आपके पास 15 होता है, फिर माइनस जे इंटू ये माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस 12 आएगा ना आपके पास, प्लस 12 माइनस 2 कितना होता है प्लस 10 आ जाएगा आपके पास, फिर प्लस के इंटू ये होता है माइनस माइनस प्लस 24 और 6 आपके पास 30 आ जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे 15 आई माइनस 10 जे और प्लस 30 के आ जाएगा। तो ये आपके पास वो वेक्टर आ गया जो कि ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर है। इस वेक्टर को हम सी का नाम भी दे सकते हैं, ए क्रॉस बी भी रहने दें एज यू विश। तो ये ए क्रॉस बी है हमारे पास। अच्छा, अब हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है इस वेक्टर का। तो इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड कैसे किया जा सकता है, यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड किया जा सकता है किसी वेक्टर का, तो हमें ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा पहले। इधर ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आएगा, वो मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट ऑफ 15 स्क्वायर आएगा इधर, माइनस प्लस आएगा माइनस 10 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर। ठीक है, इसका तो स्क्वायर लेने के बाद आपके पास 225 और 900 आ गए, सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास 1225 आ जाएगा। तो इसका हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास 35 आ गया। अब इसका मैग्नीट्यूड 35 आ गया है, हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो यूनिट वेक्टर किसके बराबर होता है, ए क्रॉस बी का यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, ठीक है, डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड जो है ना वो फार्मूला होता है। तो हमारे पास ए क्रॉस बी का जो वेक्टर आया था वो हमारे पास हम ऊपर लिखेंगे 15 आई माइनस 10 जे और प्लस 30 के आएगा ऊपर, डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इसका क्या आया हुआ है 35। इसको आगे फर्दर सॉल्व करना है तो आप इसको सॉल्व करके भी लिख सकते हैं। तो सॉल्व करते हैं इसको थोड़ा सा, इसमें से 15 का मन आ रहा है, 5 का मन आ रहा है ऊपर से, 5 अंदर आ जाएगा 3 आई माइनस 2 जे और प्लस 5 से 38 होता है तो 6 के आ जाएगा आपके पास, डिवाइडेड बाई 35 है। तो एक स्टेप में ये 5 एक पर 5 5 7 और 35 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 आई माइनस 2 जे प्लस 6 के ओवर 7। ये तो हमारे पास वेक्टर का आंसर आ गया। आगे इसने कहा कि फाइंड द साइन ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के दरमियान जो साइन थीटा वो हमने निकालना है। तो साइन थीटा किसके इक्वल होता है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो ये हमारे पास ए क्रॉस बी का फॉर्मूला होता है, अगर ए और बी दोनों वेक्टर हैं तो साथ एन यूनिट वेक्टर भी आता है क्योंकि वेक्टर फॉर्म है। अच्छा, तो अगर हम मैग्नीट्यूड लें तो फिर एन यूनिट वेक्टर नहीं आएगा, हमें निकालना है साइन थीटा। साइन थीटा फाइंड करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, ए क्रॉस बी का जो आंसर है उसको मैग्नीट्यूड ऊपर लिखना होगा और नीचे क्या करना होगा, ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड लिखना होगा। ठीक है, उससे हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो ए क्रॉस बी का आंसर हमारे पास 35 आया हुआ है पीछे, ठीक है, और ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड हमें सेपरेट निकाल के रखना पड़ना था। तो यहाँ ए का मैग्नीट्यूड आपके पास कितना बनेगा, मैं इधर ही फाइंड कर लेता हूँ, ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट आएगा, ठीक है, 2 का स्क्वायर आपके पास 4 बन जाएगा और 6 का स्क्वायर जो है वो 36 होगा और 3 का स्क्वायर 9 होगा। इन सबको अगर मैं ऐड करूँ तो मेरे पास बनता है 45 और 9 49 बनेगा और सॉल्व करने के बाद 7 आ जाएगा।
मेरे पास जो ए है उसका मैग्नीट्यूड 7 आ गया, इसी तरह ये जो बी है इसका मैग्नीट्यूड मैं यहाँ फाइंड कर लेता हूँ। ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर आएगा 16, 3 का स्क्वायर आपके पास आएगा 9 और 1 का स्क्वायर आएगा आपके पास 1 ही होता है, तो 16 और 9 25 और 1 26 आ जाएगा, तो ये स्क्वायर रूट 26 आ जाएगा। तो मैं ए की जगह उसका मैग्नीट्यूड पुट करता हूँ दैट इज 7 और बी की जगह मैं उसका मैग्नीट्यूड पुट करता हूँ जो कि स्क्वायर रूट ऑफ 26 आपके पास है, ठीक है, इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 35 सात एक बार सात, 7 5 और 35 होते हैं, तो 5 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 26 आपके पास आंसर आ गया। तो ये साइन थीटा की आपके पास वैल्यू है, क्लियर है। मैं एक दोबारा रिपीट करवाता हूँ, तो हमारे पास सबसे पहले उसने क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में उसने कहा है कि फाइंड अ यूनिट वेक्टर दैट इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर ए एंड बी। हमने जिस प्लेन में ए और बी एग्जिस्ट कर रहे हैं उसके परपेंडिकुलर जो वेक्टर है उसके ऊपर जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो ए और बी का हम क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट लेने से ये फ़ायदा होगा कि हमारे पास जो वेक्टर आएगा ना आंसर में वो उन दोनों के परपेंडिकुलर आएगा, तो ये हमारे पास वेक्टर आ गया। वो अब हमने इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, तो यूनिट वेक्टर के लिए मेरे पास उसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए, तो मैंने पहले ए क्रॉस बी का पहले ये मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया। मैग्नीट्यूड फाइंड करने के बाद उसके बाद मैंने ए का मैग्नीट्यूड इसके लिए मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है, ए क्रॉस बी के ऊपर छोटी सी कैप लगाइए मैग्नीट्यूड के लिए, यूनिट वेक्टर के लिए, तो ए क्रॉस बी ओवर इट्स मैग्नीट्यूड, तो इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये रिक्वायर्ड वेक्टर आ गया, ठीक है। और उसके बाद उसने आगे ये भी कहा था हमें कि आल्सो फाइंड द साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, तो साइन थीटा निकालने के लिए मैंने ये फॉर्मूला यूज़ किया कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा होता है ना, तो साइन थीटा निकालने के लिए ए और बी का मैग्नीट्यूड इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड था वो तो 35 था, उसके बाद ए का मैग्नीट्यूड मैंने यहाँ लगाया और बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करके मैंने यहाँ लगाया, उसके बाद कैंसिल आउट करके मेरे पास साइन थीटा की वैल्यू 5 ओवर स्क्वायर रूट 26 आ गई, ठीक है। अगले तीनों पार्ट भी सेम ऐसे ही होने हैं। चलिए एक्सरसाइज 7.4 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना एफएससी का पार्ट 2 का वो करते हैं, जिसमें ए और बी की उसने वैल्यू प्रोवाइड किया हमें। उसने क्वेश्चन वही है हमारा प्रीवियस जो चल रहा है कि पहले हमने ए और बी को आपस में क्रॉस प्रोडक्ट लेना था कि एक वेक्टर है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो, इसलिए हमने ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो ये मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होता है, ऊपर आपने आई जी के लिखना होता है और उसके बाद पहले आपने ए वेक्टर के कोफिशंट्स लिखने होते हैं फिर बी वेक्टर के कोफिशंट लिख देने होते हैं। अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे, तो ये हमारे पास एक्सपेंड कैसे होगा देखते हैं। तो पहला स्टेप आपके पास कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। ये मैं डायरेक्ट कुछ इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपका टाइम बचे। तो अगला स्टेप आपके पास कुछ इस तरह से आएगा, उसके बाद माइनस 7 आई, ठीक है, माइनस 4 प्लस 2 माइनस 2 होता है, तो माइनस माइनस प्लस 2 जी आ जाएगा आपके पास, और 4 और 2 6 हो जाएगा, तो ये 6 के आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये हमारे पास ए क्रॉस बी का आंसर आ गया है। अच्छा, ए क्रॉस बी का आंसर निकालने के बाद हमने करना क्या है, हमें ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, ठीक है। हमने ए क्रॉस बी के परपेंडिकुलर, ए और बी के परपेंडिकुलर एक वेक्टर ए क्रॉस बी है उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो मैग्नीट्यूड उसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, तो यूनिट वेक्टर के लिए पहले हमें उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना पड़ेगा ए क्रॉस बी का। तो वो आपके पास कुछ इस तरह से आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ इनके आई जे के कोफिशिएंट्स का स्क्वायर, तो 7 का जो कोफिशिएंट है, आई का जो कोफिशिएंट है माइनस 7 उसका स्क्वायर 49 आएगा, जे का कोफिशिएंट 2 है उसका स्क्वायर 4 आएगा, और के का कोफिशिएंट 6 है उसका स्क्वायर 36 आ जाएगा, ठीक है। इन सबको अगर हम ऐड करें तो ये मेरे पास बनता है 89, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 89 जो है वो ए क्रॉस बी का स्क्वायर रूट आ गया। अब इसे आगे मुझे ए क्रॉस बी इसका निकालना है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर किसके बराबर होता है, वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड, ऊपर वेक्टर आएगा नीचे उसका मैग्नीट्यूड आता है, तो वेक्टर हमारे पास क्या है, माइनस 7 आई प्लस 2 जे और प्लस 6 के, और इट्स इसका मैग्नीट्यूड है वो स्क्वायर रूट ऑफ 89 है, 89 फर्दर सॉल्व नहीं होता, तो ये हमारे पास ए क्रॉस बी के यूनिट वेक्टर का आंसर है, ठीक है। यूनिट वेक्टर निकालने के बाद हमने साइन ऑफ थीटा निकालना होगा। साइन थीटा किसके बराबर होता है, हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था फॉर्मूला, वो होता है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है, और डिवाइडेड बाय ए मैग्नीट्यूड एंड बी मैग्नीट्यूड, ये फार्मूला होता है। तो हमारे पास ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड तो यहाँ है पीछे, ए क्रॉस बी का ये हमने मैग्नीट्यूड निकाला हुआ है, तो हमें ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैं यहाँ पे ए का मैग्नीट्यूड फाइंड करूँगा, वो किसके इक्वल होगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए के कोफिशिएंट है माइनस वन माइनस वन माइनस वन, तो माइनस वन का स्क्वायर भी 1 होता है, माइनस वन का स्क्वायर भी 1 होता है, माइनस वन का स्क्वायर भी 1 होता है, ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ जाएगा। इसी तरह मैं बी का मैग्नीट्यूड निकालूंगा, तो वो आपके पास आएगा 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 स्क्वायर 9 होगा, एंड 4 स्क्वायर इज
16, ठीक है। तो इन सबको अगर हम ऐड करें तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 29 आ जाएगा, ठीक है। 16 और 4 20 और 9 29, तो ये स्क्वायर रूट 29 आएगा। अब मैं इस फार्मूले में पुट करता हूँ, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड हमारे पास आया था स्क्वायर रूट ऑफ 89, और नीचे डिवाइड में हमारे पास क्या होगा ए मैग्नीट्यूड वो हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 3, और बी मैग्नीट्यूड वो हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 29, ठीक है। तो ये हमारे पास साइन ऑफ थीटा का आंसर आ गया। चलिए स्टूडेंट्स, अच्छा 89 में मिस्टेक आ रहा है, तो ये दोबारा देखिएगा, हमारे पास के का जो कोफिशेंट के इंटू के का कॉलम छोड़ देंगे तो 3 1 0 ये प्लस 3 आएगा, ठीक है। हमने यहाँ माइनस प्लस 4 लिखा हुआ था, तो ये आएगा प्लस 3, 3 + 2 जो है वो आपके पास 5 होते हैं। ये जो मिस्टेक है करेक्ट कर लें, यहाँ 5 के आएगा, ठीक है। 5 का जो स्क्वायर होगा वो यहाँ 25 आएगा आपके पास, तो 25 इन सबको ऐड करने पे आपके पास 78 आ रहा है, ठीक है। 89 नहीं आ रहा है, 78 है, तो यहाँ पे आएगा आपके पास 78 स्क्वायर रूट के अंदर। इसी तरह यहाँ पे हम 89 की जगह पे क्या पुट करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 78। अच्छा, अब ये सारा स्क्वायर रूट में इकट्ठा हो सकता है, तो ऊपर आएगा 78 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 29। इससे आगे भी फर्दर ये सॉल्वेबल है, तो 3 1 0 3 3 2 0 6 3 9 0 18, तो ऊपर हमारे पास आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 29, नीचे आपके पास आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 29। तो 3 6 0 18 होता है, तो ऊपर 26 आएगा, तो नीचे हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 29 आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम स्क्वायर रूट ऑफ 26 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 29 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास साइन ऑफ थीटा का आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक आ रही थी वो करेक्ट कर लें ज़रा। इससे आगे जो इसका थर्ड पार्ट है वो देखते हैं। चलिए जो इसका थर्ड पार्ट है वो देखते हैं, आपके पास ए क्रॉस बी हमने लेना होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू हमारे पास किसके इक्वल आएगा, ऊपर आएगा हमारे पास उसी तरह आई जे के, और नीचे हम पहले ए के लिखेंगे 2 -2 और 4, और उससे नीचे आपके पास आएंगे -1 1 और -2 आपके पास आएगा। फिर इसको हम ओपन करेंगे, आई इंटू 2 × 2 = 4 होता है, और 4 1 0 4 आपके पास आ जाएगा, माइनस जे इंटू जे के साथ आपके पास होगा मल्टीप्लाई 2 2 = -4, और -4 1 0 -4 आ जाएगा। तो ये आपके पास आ गया, उसके पास प्लस के इंटू के है तो इस कलम को छोड़ देंगे, 2 1 0 2 - 2 1 0 2 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। 2 1 0 + 2 आएगा क्योंकि दोनों के साथ माइनस है, उसके बाद ये 4 और -4 कैंसिल होकर 0 आ जाएगा, 0 आई। फिर उसके बाद ये -4 -+4 ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और ये आपके पास बनेगा 0 j, और उसके बाद -2 + 2 ये प्लस 0 k आ जाएगा। तो ये जो a क्रॉस b का आंसर है ये आपके पास क्या आ गया, नल वेक्टर, ठीक है। नल वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो आपके पास कितना होता है, इक्वल टू 0 होता है, और उसकी जो डायरेक्शन होती है वो आर्बिट्रेरी डायरेक्शन होती है। मैग्नीट्यूड इसका 0 आ गया, जो इसकी डायरेक्शन है, डायरेक्शन वो आपने फिजिक्स में भी पढ़ा हुआ है चैप्टर 2 के अंदर पार्ट 1 में, तो नल वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो आर्बिट्रेरी डायरेक्शन होती है, ठीक है। आर्बिट्रेरी डायरेक्शन मतलब एनी डायरेक्शन, इसकी कोई भी डायरेक्शन हो सकती है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 था, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट था, अब हम इसका फोर्थ पार्ट देखने वाले हैं। चलिए, हमारे पास जो फोर्थ पार्ट है वो भी बड़ा आसान है इसका, क्वेश्चन नंबर 2 का, ये एक्सरसाइज हम 7.4 कर रहे हैं, फोर्थ पार्ट लास्ट है इसका, इस क्वेश्चन का। तो ए क्रॉस बी वाले हमने फाइंड करना होगा, ठीक है। तो वो आपके पास किसके इक्वल आएगा, ऊपर आपके पास आता है आई जे और के, नीचे आपके पास आता है आई का कोफिशेंट 1, जे का कोफिशेंट 1, और के है ही नहीं तो इधर 0 आएगा, ठीक है। इसी तरह आपके पास जो ये है इसका कोफिशेंट 1 आएगा आई का, और ये हमारे पास -1 आएगा, और ये 0 आ जाएगा। अब हमने ए क्रॉस बी का आंसर लेके आना है, आई इंटू आई छोड़ देंगे, 0 - 0 आएगा आपके पास, फिर प्लस बल्कि यहाँ माइनस आता होता है, जे इंटू जे वाला कॉलम छोड़ देंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे 0 आएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे 0 आएगा। अब तो अब आपको एक्सपेंड करना तो आ गया होगा, प्लस के इंटू के का छोड़ देंगे, -1 - 1 आ जाएगा, तो ये आपके पास आंसर आ गया 0i - 0j, ठीक है, 0j, और उसके बाद -2k आपके पास आ जाएगा। तो ये आपके पास ए क्रॉस बी का आंसर आ गया। अब ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो हमने लेना है, मैग्नीट्यूड आपके पास किसके इक्वल आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 0² + 0² + -2 का स्क्वायर, ठीक है। -2 का जो स्क्वायर होगा वो 4 हो जाएगा आपके पास, तो 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास 2 आ जाएगा। तो ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है
वो आपके पास टू आ गया। ठीक है, इसी तरह अब हमने साइन ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी निकालना है। तो साइन ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू ऊपर आता है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ये याद रखना आपने, और नीचे दोनों के मैग्नीट्यूड सेपरेटली आते हैं। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड तो हमारे पास है टू, ठीक है, ए का मैग्नीट्यूड हमारे पास, ए का मैग्नीट्यूड नहीं है तो वो हमें यहाँ फाइंड करना पड़ेगा। ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ ए के कोफिशियंट्स का स्क्वेयर, ठीक है, वन का स्क्वेयर प्लस जीरो स्क्वेयर, तो आपके पास वन प्लस वन टू आ जाएगा। इसी तरह जो बी है उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे वो आपके पास आएगा वन प्लस जीरो, वो भी आपके पास स्क्वेयर रूट ऑफ टू आ जाएगा। तो यहाँ इसका भी स्क्वेयर रूट टू आएगा और इसका भी स्क्वेयर रूट ऑफ टू आ जाएगा। तो ऊपर आएगा टू, नीचे स्क्वेयर रूट ऑफ टू का स्क्वेयर बन जाएगा आपके पास, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम है ना, सेम आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो टू डिवाइड बाई टू हमारे पास वन आ जाएगा। तो जो साइन ऑफ थीटा है इन दोनों के दरमियान वो हमारे पास वन आ गया, ठीक है। इसको अगर हम आगे सॉल्व करें तो आपके पास थीटा की वैल्यू आपके पास 90 आ जाती है, लेकिन हमें साइन थीटा निकालना है, थीटा नहीं निकालना, तो वो आपके पास वन आएगा। चलें एफएससी पार्ट टू एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर सी की बात करते हैं, जिसमें उसने कहा फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हैविंग वर्टिसेस पी क्यू एंड आर, ठीक है, जिसके जो वर्टिसेस हैं वो पी क्यू आर हैं हमारे पास, या डिटरमाइन द बाय द पॉइंट पी क्यू आर। तो हमें एक ट्राइंगल मिल गई है जिसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं ना वो आपके पास हैं पी क्यू आर, ठीक है। अच्छा, इस ट्राइंगल का हमने एरिया फाइंड करना है, तो एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास मेथड होता है, फार्मूला होता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू वन बाई टू मॉड ऑफ पी क्यू क्रॉस पी आर, ठीक है, ये आपके पास फार्मूला होता है, पी क्यू एंड पी आर, ये आर है आपके पास, पी क्यू मल्टीप्लाई बाई पी आर, ये आपके पास फार्मूला होता है जिसके ज़रिए आप एरिया फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए हमें एक पी क्यू फाइंड करना होगा, एक पी आर फाइंड करना होगा, और बाद में इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेना होगा, और साथ इसका मैग्नीट्यूड लेना होगा, और उसको वन बाई टू से मल्टीप्लाई कर देना होगा, ये काम हमने करने हैं, जिससे हमारे पास एरिया आ जाएगा। चलो देखते हैं कैसे होना है। अच्छा, उसके लिए पहले मेरे पास पोजीशन वेक्टर्स होने चाहिए। अगर ये पी है तो इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो आपके पास क्या होगा, ज़ीरो आई, ज़ीरो जे और ज़ीरो के, ठीक है, ये ओ पी है, पी का पोजीशन वेक्टर। इसी तरह मुझे क्यू का पोजीशन वेक्टर निकालना है, वो हमारे पास आएगा ओ क्यू, वो आपके पास आएगा टू आई प्लस थ्री जे और प्लस टू के आपके पास होगा। इसी तरह आर का पोजीशन वेक्टर ओ आर होगा, ठीक है, वो आपके पास किसके इक्वल होगा, माइनस आई प्लस जे और प्लस फोर जे फोर के, तो ये आपके पास ओ पी ओ क्यू और ओ आर हो जाएगा, ठीक है। अब हमें पी क्यू और पी आर फाइंड करना है, बाद में इस फार्मूले में पुट करना है, तो मैं यहाँ पे पहले पी आर फाइंड करूँगा, पी आर या पी क्यू पहले फाइंड कर लेते हैं एज यू विश। पी क्यू इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, पी क्यू ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू माइनस ओ पी होगा, और उसके बाद हम पी क्यू ओ क्यू और ओ पी की यहाँ पे वैल्यू प्लेस करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगी ओ क्यू की वैल्यू, तो अब आपके पास ओ पी की वैल्यू हो, तो ये आपके पास ओ क्यू की वैल्यू ओ पी की वैल्यू आ गई। अब इसमें से इसको माइनस करना, तो आपके पास आंसर ये आपके पास आंसर आ जाएगा, तो क्योंकि टू आई में से जब ज़ीरो माइनस होगा तो टू ही आना है, ये आपके पास आ गया पी क्यू। अब हमने इसी तरह जो ओ क्यू पी आर है उसकी वैल्यू फाइंड कर लेनी है, ठीक है, पी आर आपके पास क्या होगा, पी आर इज इक्वल टू ओ आर माइनस ओ पी, ठीक है, इसकी जगह उसकी वैल्यूज लगाएंगे, और वैल्यूज लगाने के बाद आपके पास ये आंसर आपके पास आ जाएगा, माइनस आई प्लस जे प्लस फोर के, ठीक है। तो ये मैंने पी आर फाइंड कर लिया, पहले हमने पी क्यू फाइंड किया था, तो अब इस फार्मूला में हम वैल्यूज़ को प्लेस करेंगे, ठीक है। तो फार्मूला आपके पास है एरिया ऑफ ट्राइंगल, मैं यहाँ पे इसी सिंबल बनाता हूँ, इज इक्वल टू वन बाई टू पी क्यू क्रॉस पी आर, ठीक है, वन बाई टू यहाँ पे वैल्यूज प्लेस करती हैं उसकी, ठीक है। तो ये मैंने आई जे के और टू थ्री टू जो वेक्टर है पी क्यू वो लिख दिया, उसके बाद मैंने पी आर का जो वेक्टर है वो वाला यहाँ पे प्लेस कर दिया, उसकी कोऑर्डिनेट्स वन बाई टू, वन बाई टू के बाद इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास आएगा आई इंटू ट्वेल्व माइनस टू आएगा, उसके बाद माइनस जे इंटू टू प्लस थ्री होगा, और तो ये आपके पास मॉड ओपन होने के बाद वैल्यू आ गई, उसके बाद आ गया वन बाई टू, और यहाँ पर हमने ये वाली ब्रैकेट लगानी है क्योंकि अभी हमने इसका मैग्नीट्यूड लेना है, तो मैग्नीट्यूड के लिए ये मैं मॉड का सिंबल लगाऊंगा, दरमियान में जो वेक्टर आ रहा है वो हमारे पास है
टेन आई, उसके बाद माइनस टेन जे और प्लस फाइव के आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये हमारे पास इसको सॉल्व करने के बाद आ गया। अब वन बाई टू और मॉड ऑफ, इसका मॉड हमने लेना है तो उसकी उसके लिए हमें इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ता है। ये जो आई जे के कोफिशियंट्स हैं इनका स्क्वायर, माइनस टेन का स्क्वायर होगा, फिर प्लस फाइव का स्क्वायर होगा, वन बाई टू इंटू टेन स्क्वायर जो है वो आपके पास हंड्रेड होगा, ये भी हंड्रेड आएगा, और ये दो का स्क्वायर पच्चीस हो जाएगा, ये आपके पास आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 225। ठीक है, 225 का जो स्क्वायर रूट होता है वो आपके पास 15 होता है, तो 1 बाई टू इंटू 15, तो ये 15 बाई टू ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। इसको फर्दर सॉल्व करें तो 7.5 आ जाएगा, तो साथ आपने यूनिट स्क्वायर लिख देना है क्योंकि एरिया जो होता है वो स्क्वायर के अंदर होता है। ठीक है, तो ये आपके पास 15 बाई टू रिक्वायर्ड आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर जी का अब सेकेंड पार्ट देखते हैं, ये उसका दूसरा पार्ट है, उसने कहा फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो तीन उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो उसने प्रोवाइड कर दिए हैं। तो पहले हम इनके पोजीशन वेक्टर्स निकालेंगे, अगर पी हमारे पास ये वेक्टर है तो उसको जो पोजीशन वेक्टर ओ पी होगा वो किसके इक्वल आएगा, आई माइनस जे और माइनस के, क्योंकि ये माइनस वन है ना, तो उसका माइनस के इधर आएगा। उसके बाद ओ क्यू निकाल लेंगे, हमारे पास ओ क्यू इज इक्वल टू टू आई माइनस जीरो जे और माइनस के आपके पास आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह जो ओ आर है वो आपके पास किसके इक्वल होगा, जीरो आई प्लस टू जे और माइनस के। तो ये मैंने इनके पोजीशन वेक्टर्स लिख लिए। अब मैंने पी क्यू और पी आर फाइंड करना है। ठीक है, ये दोनों फाइंड करने हैं। तो पी क्यू किसके इक्वल होता है, पी क्यू इक्वल होता है ओ क्यू माइनस ओ पी के इक्वल होता है, और ओ क्यू हमारे पास क्या है इस वक्त, ओ क्यू जो है वो हमारे पास है टू आई माइनस ज़ीरो जे और माइनस के, और इसी तरह जो ओ पी है वो हमारे पास क्या है, आई माइनस जे और माइनस के। इनको प्लस माइनस करने के बाद आपके पास आंसर आएगा, चलिए आई प्लस जे प्लस जीरो के आपके पास आंसर आ गया। इसी तरह जो पी आर है इसको सोल्व करेंगे तो वो आपके पास आएगा ओ आर माइनस ओ पी, ओ आर आपके पास किसके इक्वल है, ज़ीरो आई प्लस टू जे और प्लस के, और ओ पी आपके पास क्या है, ओ पी है आई माइनस जे माइनस के आ जाएगा। ठीक है, तो आई माइनस आई ज़ीरो आई हो जाएगा, टू माइनस 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 प्लस जे ये थ्री जे हो जाएगा, और प्लस के माइनस माइनस प्लस के प्लस टू के आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये पी आर की वैल्यू आ गई। अब पी क्यू भी हमारे पास है, पी आर भी है, हमने इसका क्या करना है, मॉड ओपन कर लेना है, यानी हमें पी क्यू मल्टीप्लाई पी आर फाइंड करना होगा। ठीक है, तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं तो आपके पास वो क्या आंसर आएगा, आई जे के आएगा ऊपर, और नीचे आपके पास होगा पहला वेक्टर पी क्यू, वो हमारे पास कितना है, वन वन एंड ज़ीरो। ठीक है, इसके जो कोफिशियंट से मैंने वो लिखे हैं। उसके बाद जो पी आर है वो आपके पास होगा ज़ीरो थ्री और टू, ये जो ये आपके पास वेक्टर है मैंने वो इधर लिख दिया। अब इसको हमने ओपन करना है इस मॉड को, तो उसके लिए आई बाहर आएगा, तो अंदर आपके पास आ जाएगा टू माइनस ज़ीरो, उसके बाद आएगा माइनस छः, टू माइनस ज़ीरो आ जाएगा, उसके बाद आएगा प्लस के इन टू, तो के साथ आएगा थ्री माइनस ज़ीरो, सही है। तो ये आपके पास वेक्टर अगले पेज पे बनेगा टू आई माइनस टू जे और प्लस थ्री के, तो ये आपके पास वेक्टर आ जाएगा पी क्यू मल्टीप्लाई क्यू आर का आंसर। ठीक है, हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, वन बाई टू इंटू मॉड ऑफ पी क्यू मल्टीप्लाई क्यू आर या पी आर, वन बाई टू इंटू स्क्वायर रूट ऑफ, ये जो पी क्यू और पी आर है इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर ऊपर आया हुआ है इसका हमने यहाँ पे मैग्नीट्यूड लेना है, तो टू का स्क्वायर फोर हो जाएगा, टू का स्क्वायर फोर हो जाएगा और थ्री का स्क्वायर आपके पास नाइन आएगा, चार चार आठ हो गया, आठ और नौ आपके पास सेवनटीन होगा, तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ सेवनटीन डिवाइडेड बाई टू, ये आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया क्वेश्चन नंबर थ्री के सेकेंड पार्ट के अंदर। अच्छा, यहाँ पे इस क्वेश्चन में मेथड ठीक है लेकिन क्वेश्चन में एक मिस्टेक हुई है, तो वो ये है कि यहाँ पे ज़ीरो आई माइनस आई, यहाँ पे माइनस वन आई आना चाहिए। ठीक है, ये माइनस आई आपके पास आ जाएगा, ये माइनस आई होगा तो इसका कोफिशेंट यहाँ पे जब पुट करेंगे तो वो माइनस वन आपके पास होगा, तो ये माइनस वन होगा, तो यहाँ पे पुट करते हुए थ्री वन ज़र थ्री और वन वन ज़र माइनस वन, तो वो जो माइनस वन इधर आएगा ना वो माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको नज़र आ रहा है तो थ्री प्लस वन इधर आएगा, थ्री प्लस वन इधर आएगा तो यहाँ पे आपके पास कितना हो जाएगा,
4k, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर जो है वो यहाँ पे 16 आ जाएगा। अब 4 और 4 8, इसको मैं यहाँ से दोबारा करता हूँ, 1/2 इंटू 4 प्लस 16, 16 और 4 20 और 4 24 हो गया आपके पास, 1/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 24 आएगा। अब जो 24 होता है ना वो 6 4 पर 24 होता है, तो 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 4 मल्टीप्लाई 6 आएगा। 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है वो जो कि बाहर आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय 1/2 आ गया, तो 2 2 से कैंसिल हो गया, इसका आंसर स्क्वायर रूट 6 आ गया। तो स्क्वायर रूट 6 आपका रिक्वायर्ड आंसर है। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। उसने पहले पार्ट में हमें कहा कि फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज वर्टिसेस आर दिस वन एंड दिस वन। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे पैरेललोग्राम बनानी है, वो कुछ इस तरह की आपके पास होती है, ठीक है। तो पैरेललोग्राम फाइंड करने का बहुत ही आसान मेथड है एरिया फाइंड करने का। पहले उसको ए बी सी डी नाम दे दो, ठीक है, ज़रा एहतियात से ए बी सी डी वाले नाम दे दिए। उसके बाद आपने ए बी वेक्टर और ए डी वेक्टर, ठीक है, या फिर ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर, कोई भी दो साथ साथ वाले वेक्टर्स फाइंड कर लेने हैं, सही हो गया। या फिर आप ए बी और बी सी वेक्टर फाइंड कर लो, या फिर ए बी और ए डी वेक्टर फाइंड कर लो, या फिर ए डी और डी सी, यानी कि कोई भी दो साथ साथ वाले वेक्टर्स फाइंड कर लेने हैं और उनका क्रॉस प्रोडक्ट ले लेना है। क्रॉस प्रोडक्ट लेने के बाद मैग्नीट्यूड लेंगे तो आपके पास उस ट्राइंगल उस पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो अब मुझे इनके पहले पोजीशन वेक्टर्स लिखने हैं, बल्कि वो तो अंडरस्टूड है, पोजीशन वेक्टर्स वो लिख लेंगे। अभी हम डायरेक्ट ओ बी फाइंड ए बी फाइंड करते हैं। ए बी इज इक्वल टू, ए बी वेक्टर जो है वो किसके इक्वल आएगा, ए और बी के कोऑर्डिनेट्स को माइनस करेंगे ना, यानी कि यहाँ पे ओ बी माइनस ओ ए करना पड़ेगा हमें, ठीक है। ओ बी जो है वो बी के कोऑर्डिनेट्स होंगे, जो कि मैं यहाँ से अगर गेस करूँ तो मेरे पास आई प्लस टू जे और प्लस थ्री के बनेगा, ठीक है। ये नहीं मुझसे पूछना कि ये आए कहाँ से, ओ बी, क्योंकि बी का हमारे पास है 1 2 3, तो उसके जो वेक्टर बनेगा वो 1 i 2 j और 3 k आ जाएगा। माइनस ओ ए, ओ ए जो है वो आपके पास क्या बन रहा है, ए के कोऑर्डिनेट्स, जो कि हमारे पास हैं 0 i माइनस 0 j, और बल्कि प्लस लगा दें बेशक, प्लस 0 k, ठीक है। अच्छा, अब इस 0 0 0 को इसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा i प्लस 2 j और प्लस 3 k, ये आपके पास ए बी का वेक्टर आ गया। इसी तरह मुझे ए डी का वेक्टर फाइंड करना है। ए डी इज इक्वल टू, ए डी किसके इक्वल आएगा, ए डी इज इक्वल टू ओ डी माइनस ओ ए, ठीक है। ओ डी आपके पास होगा 3 i प्लस जे प्लस 4 k, ठीक है। बाद में कमेंट्स में ये नहीं पूछ रहना कि सर ओ डी का वेक्टर आपके पास है ही नहीं तो आपने कहाँ से पुट किया। ये जो आपके पास डी लिखा हुआ है ना 3 1 और 4, इसी को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो 3 i और 1 j और 4 k आपके पास बनता है। माइनस ओ ए, ओ ए की जगह हम क्या लगाएंगे, ए के कोऑर्डिनेट्स 0 i माइनस 0 j और प्लस 0 k। इन दोनों को माइनस करने के बाद आपके पास यही वेक्टर आ जाएगा 3 i प्लस j और प्लस 4 k। अच्छा, अब हमारे पास ए बी भी आ गया, ओ बी भी आ गया। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करना है तो वो बड़ा ही आसान होता है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, हमारे पास जो उसके दो साइड्स होती हैं ना, ए बी क्रॉस ए डी, इसके मैग्नीट्यूड के बराबर होता है, ठीक है। तो अब हम पहले ए डी क्रॉस ए बी फाइंड करेंगे। ए बी क्रॉस ए डी, तो ये हमारे पास क्या आएगा, आपने ऊपर आई जे के लिखना है, नीचे ए बी और ए डी के वेक्टर्स लिखने हैं। ए बी का वेक्टर आपके पास आएगा आई, यानी कि 1 2 और 3, और जो ए डी है उसका वेक्टर आपके पास आएगा 3 1 और 4। उसके बाद इसको एक्सपेंड कर देना है, आई इंटू 4 2 8 और 3 1 3 आ जाएगा, माइनस जे इंटू 4 1 4 और 3 3 9, और उसके बाद प्लस के इंटू 1 3 2 6, ये आ जाएगा, ठीक है। 8 में से अगर 3 माइनस करें तो 5 i आएगा, और 4 - 9 - 5 आता है तो --+5 आ जाएगा, और उसके बाद 6 में से 1 निकालो फिर भी हमारे पास -5 k आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास आ गया ए बी क्रॉस ए डी, उसका मैग्नीट्यूड लेने पे हमारे पास एरिया आ रहा है। तो मैग्नीट्यूड उसका कैसे फाइंड करेंगे, ए बी क्रॉस ए डी
का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, उसके लिए हमें स्क्वेयर रूट लेना होता है, यह आएगा 5 का स्क्वेयर प्लस 5 का स्क्वेयर, तो यह आएगा 25 प्लस 25 प्लस 25, तो ये आ जाएगा 25 और 50 75 आ जाएगा, तो 75 को हम लिख सकते हैं 5 स्क्वेयर रूट ऑफ 5, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो ये आपके पास जो 3 है ना इसके साथ आ जाएगा। अच्छा जी, जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है ना 5 स्क्वेयर रूट 3, इसके साथ आपने लिखना है यूनिट स्क्वेयर, ठीक है, क्योंकि एरिया जो है स्क्वेयर के अंदर होता है, तो 5 स्क्वेयर रूट 3 हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर जो 4 का फर्स्ट पार्ट है उसमें बस आपने कोई से 2 वेक्टर फाइंड कर लेने हैं, कोई से एडजस्टेंट 2, साथ साथ वाले 2, जैसे ए बी और ए डी है, ये 2 वेक्टर हैं, तो ये दोनों वेक्टर फाइंड कर लिए, इनका बस आपने क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, और क्रॉस प्रोडक्ट लेने के बाद आपके पास इसका जो है स्क्वायर रूट, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो आपने फाइंड कर लेना है, वो आपके पास उस पैरेललोग्राम के एरिया के इक्वल होगा। उम्मीद आपको समझ आई होगी। अब इसका जो सेकेंड पार्ट है वो ट्राई करें, खुद करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का जो सेकेंड पार्ट है वो देखते हैं। उसमें भी उसने हमें उसी तरह वेक्टर तीन वर्टिसेस दे दिए, तो हमारे पास कुछ इस तरह की पैरेललोग्राम होती है जिसको नाम देते हैं ए बी सी डी। तो आपको ए बी एक वेक्टर फाइंड करना है और एक ए डी वेक्टर फाइंड करना है, ये 2 वेक्टर आपने निकालने हैं, और पहले मैं ए डी फाइंड करूँगा, ए बी कर लेते हैं। ए बी इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए होता है, ओ बी आपके पास है 4i-2 + 2j और -3j, और जो ओ ए है वो आपके पास बनेगा 1i + 2j और -k, ठीक है। अब इन दोनों को आपस में माइनस करने के बाद आपके पास आएगा 3i + 0j, ठीक है, क्योंकि 2j - 2j आपके पास आएगा, 3j - - प्लस हो गया, और ये +2j आपके पास आ जाएगा, -2j आपके पास आ जाएगा, क्योंकि 3 में से ये माइनस हो गया के। उसके बाद आपने ए डी फाइंड करना है, ए डी इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, ओ डी माइनस ओ ए के इक्वल आएगा। ओ डी आपके पास क्या है 9i - 5j और +0k, और ओ ए आपके पास कितना आ गया 1 - 2j और -k, ये +2j होगा। उसी तरह जैसे ऊपर ओ ए लिखा था, इसी तरह नीचे ओ ए की जगह उसका वेक्टर लिख दिया। अब इसको सोल्व करने के बाद आपके पास आएगा ये आई है 9 - i 8i आ जाएगा, -5 - 2 - 7j आ जाएगा, और 0 - -+k + 1k आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास वेक्टर ए डी आ गया। अब मुझे ए डी क्रॉस ए बी ये फाइंड करना होगा, ए बी क्रॉस ए डी, तो वो आपके पास बनेगा i j k, इसी तरह आएगा। ए बी के वेक्टर्स आपके पास हैं 3 0 - 2 3 0 - 2, उसके बाद जो ए डी है उसके वेक्टर हैं 8 7 और k 8 7 और 1, ठीक है। उसके बाद हम इसका जो है वो ओपन कर लेंगे मॉड i (0 - - प्लस, फिर +- हो जाएगा, 7 2 14 आ गया, और -j (3 - - प्लस 8 2 16 आ जाएगा, उसके बाद +k (7 - 21 और 8 0 0 आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास आएगा -14i - 18, 16 और 3 कितने होते हैं 16 17 18 19 19, j हो जाएगा, और उसके बाद -21k आ जाएगा। तो ये ए डी, ये जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है, मैं यहाँ पे एरिया लिखूँगा, एरिया इज इक्वल टू होता है मॉड ऑफ ए बी क्रॉस ए डी। ए बी क्रॉस ए डी का मॉड हमने लेना है, यानी कि इसका एरिया फाइंड करना है, तो स्क्वायर रूट ऑफ -14 का स्क्वायर और +-19 का स्क्वायर और +-2 का स्क्वायर होगा, ठीक है। 14 का स्क्वायर जो होता है वो 196 होता है, 196, और 19 का स्क्वायर जो होता है वो 289 होता है, और 2 का स्क्वायर जो है वो 4 होता है, तो ये आपके पास 361 आ जाएगा, ठीक है।
आपने इन सबको ऐड करना है, तो 361 + 4 365 हो जाएगा, 5 और 6 11 वन कैरी, 9 और 1 10 और 6 16, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 1 कैरी, और ये 3 और 1 4 और 1 5 स्क्वायर रूट ऑफ 561 आपके पास आंसर आ गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट था। आगे हम इसका जो है थर्ड पार्ट देखते हैं, तो कोशिश करें कि अगर क्वेश्चन की समझ आ गई है ना तो अगला पार्ट मिस करके देखें, अदरवाइज देखें कैसे होना है। अच्छा, उससे पहले इसमें एक मिस्टेक है, ये 21 के था, तो यहाँ हमने 2 का स्क्वायर ले लिया, यहाँ 21 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो 21 का स्क्वायर जो है वो आपके पास कितना होता है, 441 आएगा। अब इन सबको हम आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 8 और 4 6 10 और 9 19 वन कैरी, 3 और 1 4 और 4 8 8 1 9 998 आपके पास जो है रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का जो थर्ड पार्ट है वो देखते हैं। तो इसमें बस जो ट्राइंगल जो डायग्राम होगी वो कुछ इस तरह से होगी जैसे हमने पहले बनाया थी। ये एक आप पैरेललोग्राम बना दोगे जिसका एरिया फाइंड करना चाह रहे हो, ये ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा और ये डी हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसके कोई दो एडजेसेंट वेक्टर यानी कि जैसे ए बी और ए डी हैं, ये आपने फाइंड कर लेने हैं। ए बी आपके पास किसके इक्वल होगा, ओ बी माइनस ओ ए। ठीक है, तो ओ बी आपके पास कितना होगा, माइनस आई और प्लस 2j और प्लस 2k, और जो ओ ए है वो आपके पास होगा माइनस आई और प्लस जे और प्लस के इक्वल होगा। ठीक है, तो अब इनको प्लस माइनस करेंगे, माइनस आई है, माइनस माइनस प्लस आई, तो कैंसिल आउट हो गया, 0i आ जाएगा। ठीक है, 2j माइनस प्लस जे, प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, और इसमें से निकलने के बाद ये सिर्फ जे आ जाएगा। इस तरह 2k माइनस के 1k आ जाएगा, तो ए बी जो है वो हमारे पास 0 प्लस 1 और प्लस 1 आ गया। इसी तरह मैंने ए डी फाइंड करना है वेक्टर, तो ए डी किसके इक्वल होगा, ओ डी माइनस ओ ए के इक्वल होगा। ठीक है, ओ डी आपके पास कितना है, 3i और प्लस 5j और माइनस 4k यूनिट वेक्टर। ठीक है, और जो ओ ए है वो हमारे पास कितना होगा, माइनस आई और प्लस जे और प्लस के, तो ये आपके पास आएगा माइनस 3i और प्लस माइनस 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 प्लस जे आई आ जाएगा, उसके बाद प्लस 5j और ये माइनस ये आ जाएगा और माइनस 4k और माइनस के आ जाएगा। ये आपके पास बनेगा माइनस 2i और प्लस 4j और माइनस 5k। ठीक है, ये आपके पास ए डी वेक्टर आ गया। उसके बाद आपने क्या करना है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, यानी कि ए बी क्रॉस ए डी फाइंड करना है। तो इसके लिए हमारे पास मेथड है, यहाँ आई जे और के आएगा, उसके नीचे जो ए बी वेक्टर है वो हमारे पास आएगा 0 1 और 1। ठीक है, आई जे के जो कोफिशेंट होते हैं वो हम यहाँ लिखते हैं। उसके बाद ए डी के आएंगे -2, 4 और -5। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा आई इंटू -5 -4, उसके बाद माइनस जे इंटू 0 + 2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्लस के इंटू 0 -2 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास इसके बाद आ गया आएगा -5 और 4 9 होते हैं, तो -9i आएगा, उसके बाद 0 + 2 2 होता है, तो -2j आ जाएगा, और उसके बाद +2k आ जाएगा। ठीक है, आंसर ये हमारे पास ए बी क्रॉस ए डी आ गया। अब जो एरिया होता है ना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, वो किसके इक्वल होता है, मॉड ऑफ ए बी क्रॉस ए डी। ए बी और ए डी का जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसका हमने मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेना है। तो 9 का स्क्वायर 81 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होगा और 2 का स्क्वायर 4 होगा। मैंने डायरेक्ट इस आई जे के जो स्क्वेयर है वो यहाँ लिख दिए, 81 और 8 आपके पास कितना हो जाएगा, 89। तो स्क्वायर रूट ऑफ 89 आपके पास एरिया आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका थर्ड पार्ट कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है, और आगे हम क्वेश्चन नंबर 5 इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो इन 4 क्वेश्चंस में अगर कोई किसी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट में लाजमी पूछें, और किसी बात की समझ नहीं आ रही या स्पीड ज़्यादा थी बोलने की या कोई ऐसा मसला था
तो लाजमी कमेंट में मुझे बताया करें ताकि मैं आपको अगली वीडियो में इससे बेहतर फैसिलिटेट कर सकूँ, ठीक है। या किसी फार्मूले में, किसी प्रूफ में, कहीं किसी जगह भी कोई अगर आपको प्रॉब्लम आती है या किसी और चैप्टर का कोई क्वेश्चन ऐसा है जो चाह रहे हो कि मैं आपको समझा दूँ, तो वो मुझे काइंडली आपने लाजमी बताना है। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए जो मैं बना रहा हूँ, जो लिख रहा हूँ, तो वो भी आपने मुझे बताना है। वो भी हम स्कैन करके जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका दे देंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको रिक्वायर्ड है तो फिर हम करेंगे, अदरवाइज़ नहीं। और अगर मेरी वीडियोज़ अच्छी लगें तो लाइक कर दें, ठीक है, और कोशिश करें अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो शेयर हो, लाइक हो और सब्सक्राइबर ज़्यादा से ज़्यादा इसके हों, ठीक है, ताकि हमें भी कोई बेनिफिट इसका मिले।